नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो राठौर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। न्यूज़ है रिगार्डिंग बिटकॉइन। जी हाँ, बिटकॉइन को अभी रशियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि बिटकॉइन को बहुत जल्दी रशियन गवर्नमेंट उसको लीगल घोषित कर देगी। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, जापान ने ऑलरेडी बिटकॉइन को लीगल घोषित कर दिया है, कनाडा ने, USA ने, और बहुत ही जल्दी रशिया कि जो कमेटी है वो ऑलरेडी बैठी हुई थी, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि क्यों न रशिया भी बिटकॉइन का जो मार्केट है और इससे जो प्रॉफिट हो रहा है और उसकी जो करेंसी है बिटकॉइन को लीगलाइज़ करने के लिए बाध्य है। तो अभी रशिया ने क्या किया है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है वो ऑलरेडी आ चुकी है। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर थे एलेक्सी, उन्होंने ऑलरेडी अपने इंटरव्यू में अप्रैल में बोल चुके हैं कि रशिया बिटकॉइन को रेगुलर करने के लिए प्लान बना रहा है और कमेटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी आ गई है। खुद का ब्लॉकचेन भी वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण डिमांड ऑफ क्रिप्टो करेंसी की दिन बर बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप प्राइस का फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, लास्ट के 3 महीने में बिटकॉइन का जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो 3 से 4 गुना हो चुका है। तो उसके फ्यूचर मार्केट को देखते हुए और जितने भी कंट्रीज़ हैं ब्लॉकचेन की जो मार्केटिंग उसको देखते हुए उसको लीगलाइज़ करने के लिए जा रहे हैं बहुत जल्दी। और रशिया ने जितने भी ICU हैं रशिया में जो लॉन्च हो रहे हैं ऑफिशियली, उनको भी वो लीगलाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे बड़ी जानने योग्य बात यह है कि जापान का जो बिटकॉइन का लॉ है कल से इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी न्यूज़ ये है। इसके बाद जापान अपना जो बिटकॉइन का प्रचलन है वहाँ के जो कंट्री में है वो पेमेंट कल से स्टार्ट कर रहा है लीगलाइज बिल के द्वारा, ठीक है। जो कंट्री की जो लेजिस्लेचर है ऑलरेडी उन्होंने लॉ पास कर दिया है, ऑल सेट हो चुका है, वहाँ के जो फाइनेंशियल सर्विसेज है सब सेटल हो चुकी है और कल से वहाँ पे बिटकॉइन का लॉ लागू हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी न्यूज़ उसके बाद ये है कि मलेशिया भी बिटकॉइन को रेगुलर करने के पक्ष में है, क्योंकि मलेशिया का जो बैंक है BNM बैंक नागरा मलेशिया बहुत बड़ा बैंक है और उस बैंक का जो ट्रांजेक्शन है रेमिटेंस है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जितने भी टूरिज्म आते हैं या जो फंड वो बाहर भेजते हैं या आता है उसमें रेमिटेंस चार्जेज बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, टैक्स वगैरह काफ़ी लगता है। तो इसके कारण उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है और उनका जो 40% से 30% का जो हिस्सा है वो रेमिटेंस में कट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे उस चीज़ को दूर करने के लिए मलेशिया ने ये प्लान किया है कि वो बिटकॉइन को लागू करेंगे लीगली, क्योंकि मलेशिया में टूरिस्ट की अपार संभावनाएँ हैं और मलेशिया का जो नाम है बड़े कंट्री के तौर पर एक टूरिस्ट कंट्री के तौर पर सामने आया है पिछले 10 साल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो मलेशियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि रेमिटेंस से बचने के लिए वो अभी बिटकॉइन को लीगलाइज़ करेंगे और इससे उनका जो रेमिटेंस में काफ़ी टैक्स कटता था वो बच जाएगा, क्योंकि बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन है इसको एक जगह से दूसरी जगह में फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में ट्रांसफ़र हो जाता है और चार्जेज भी हैं वो बहुत ही कम कटता है, ठीक है फ्रेंड। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद क्या है कि रशिया, चाइना और इंडिया एशिया में 3 बड़े कंट्री हैं, ये ब्लॉकचेन में सुपर पावर बन सकते हैं, जैसे इंडिया, रशिया और चाइना। चाइना में बिटकॉइन ऑलरेडी 1 से 1.5 साल पहले से चल रहा है, अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी और रशिया ने ऑलरेडी बिटकॉइन को लीगलाइज़ कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। पास्ट का रिकॉर्ड, क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे हम तो चाइना का जो मार्केट है उसमें चाइना का काफ़ी कब्जा था उस मार्केट में 2016 से, उसके काफ़ी एक्सचेंज भी चल रहे हैं मार्केट में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है कि 55% के हिस्से पर चाइना का कब्जा था ऑनलाइन ट्रेड बिटकॉइन ट्रेडिंग में, ठीक है। सेकंड नंबर आता है इंडिया का, जहाँ पे 333 मिलियन यूज़र हैं, जो कि US में जो बिटकॉइन यूज़ हो रहा है उससे ज़्यादा रेशियो इंडिया का है। एट प्रेजेंट 333 मिलियन यूज़र है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है, अदर हैंड क्या है कि जापान एक ऐसा कंट्री है जो कि क्रिप्टो करेंसी की मान्यता को दिन बर बढ़ा रहा है, उसको इनक्रीज़ कर रहा है, उसको लीगलाइज़ कर रहा है, डे बाय डे की लाइफ में उसको स्टार्ट कर दिया जापान ने। और इंडिया में बिटकॉइन का जो लीगलाइजेशन प्रोसेस है वो जनवरी फरवरी तक स्टार्टअप हो जाएगा, कमेटी ऑलरेडी बैठी हुई है। अभी RBI की न्यूज़ भी आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का एक क्रिप्टो करेंसी क्वाइन लॉन्च कर रही है, खुद का ब्लॉकचेन होगा, लक्ष्मी क्वाइन उसका नाम होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन को लीगलाइज़ करेगी फ्रेमवर्क के अंदर, जितने भी ट्रीटीज़ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने भी टैक्स हैं वो सेबी के अंडर कटेंगे, और उसके बाद आप टैक्स दो और बिटकॉइन की ट्रेडिंग करो, जो भी एक्सचेंज आपको करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको बिटकॉइन और बिटकॉइन से रिलेटेड जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।